इंसाफ के तराजू, न्याय के देवता, बेसहारों के सहारा बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। जनता दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। जहाँ पना अल्लाह के नाम पे, मौला के नाम पे, मैं एक भिखारी हूँ। ए सेठ, मुझे पिछले 4 दिनों से भीख में नकली मोहरे दे रहे हैं और मुझसे असली दुआएं ले जा रहे हैं। नकली मोहर जी? जहाँ पना ये भिखारी एकदम झूठ बोल रहा है। मैं उसे रोज एक असली मोहर देता हूँ, इसे कभी भी नकली मोहर नहीं दी, तो आप कहां से दूंगा? ये देखिए, मेरे पास सारी की सारी असली मोहर है। बीरबल, सेठ जी, क्या हम ये मोहरे देख सकते हैं? हाँ, लीजिए राजा बीरबल जी। जहाँ पना इसमें से ज्यादातर, बल्कि हमारा मानना है कि सारी की सारी मोहरे नकली। जहाँ पना जो असली मोहरे हैं, उसमें आपकी जो तस्वीर बनी है, आपके दोनों कानों में बालियां है। लेकिन इन मोहरों में, आपके दोनों कानों में बालियां होने के साथ साथ आपके दाएं कान के ऊपरी हिस्से में एक और छेद है, जिसमें कील लगी हुई। दिखाइए, लाइए, दिखाइए। हमारी रियासत में नकली मोहरें चल रही हैं। जहां पना अल्लाह के नाम पे, मौला के नाम पे, सेठ जी से मुझे मेरी भीख की 4 असली मोहरें दिलवा दीजिए। जहां पना इसमें मेरी क्या गलती है? सुबह से शाम तक सैकड़ों लोगों से लेन देन करता हूँ, इससे मुझे क्या पता है कि कौन मुझे नकली मोहरे दे गया। और ऊपर से ये भिखारी ये 4 मोहरे मुझसे ऐसे मांग रहा हो जैसे इससे मैंने कोई कर्ज लिया हो। अल्लाह के नाम पे, मौला के नाम पे, एक भिखारी की बद्दुआ से डरो सेठ। मेरी बद्दुआ से बड़े बड़े सेठ भिखारी हो गए हैं और राह चलते बादशाह बन गए हैं। मुझे भिखारियों की बद्दुआ से बहुत डर लगता है। नहीं नहीं, मुझे बद्दुआ मत देना। अरे भाई, तुम ऐसा करो ना, चलो 4 मोहरे दे दूंगा, वो भी असली। चलिए 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 चलिए, अल्लाह के नाम पे, मौला के नाम पे, चलिए चलिए। अरे न्याय करने के लिए हमें बुलाते ही क्यों है? सब कुछ तो खुद कर लिया उन्होंने। जहां अपना की जय हो। बाहर फरियाद के लिए भिखारियों की लंबी कतारें लगी हुई है। वो कहते हैं उन्हें जो भी मुद्राएं भीख में मिली है सारी की सारी नकली है। और नकली मोहरे? जहाँ बना, जहाँ बना, जहाँ बना, धोबियों की पलटन आई है, उन्हें भी किसी ने नकली मोहरे दे दी है। जहाँ बना, जहाँ बना, जहाँ बना, बाहर व्यापारियों का दल, दर्जी वाले, हलवाई, कबाड़ी, सबके सब फरियाद कर रहे हैं कि उन्हें भी बहुत सारी नकली मुद्राएं मिली हैं। इतनी सारी नकली मोहरे हमारी रियासत में आई कहां से? तुम तीनों को खास कारण से यहां बुलाया। तुम ऐसा करो कि मिठाई वाला बन जाओ और हम ग्राहक, और तुम दोनों सैनिक बन जाओ। फूलचंद, तुम्हारे पास जो कैंची, कंघी, उस्तरा होगा उसको मिठाई समझ लेना और हम ग्राहक बनकर वो मिठाई खरीदने आएंगे। और इससे तुम तीनों को ग्राहक के हाव भाव को जांचना होगा, समझ गए? मामूजान, शाही खून है हम, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आया कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे पता है सलीम भाई साहब, वो तो तब पता चलेगा जब पिताजी उस तरह को मिठाई समझ के खाएंगे। तब हमें इनके हाव भाव देखकर ये जांचना है कि इनका गला अभी कटेगा या बाद में। अरे, अरे नहीं रे बावले, जो नकली मोहरे चलाने वाला ग्राहक होगा वो मिठाई खरीदने आएगा तो उसके चेहरे पर हाव भाव कैसे होंगे? उसके चेहरे पर छिपा चोर कैसा होगा? उसके चेहरे पर छिपे चोर को आपको पहचानना है। वो तो वैसे भी दिख रहा है। चुप रहो बेवकूफ,
हम ऐसा करेंगे कि हर दुकान पर हम सैनिकों को छिपा देंगे। जब नकली मोहरे चलाने वाला मुजरिम दुकान पर आएगा तो उसके चेहरे के हाव भाव को पहचानते हुए हम उसे पकड़ लेंगे और जहां अपना को ये साबित कर देंगे कि हम बीरबल से ज्यादा अक्लमंद हैं। पिताजी दिमाग। चलो चलो लग जाओ, काम पर लग जाओ और मिठाई बनाओ। हाँ हुजूर। हम ग्राहक बनकर आते हैं, तुम लोग तैयार हो? हुजूर तैयार। तैयार है। ये मिठाई ले लो, लड्डू ले लो, इमरती ले लो, समोसा सस्ते में ले लो, सस्ते में ले लो। ए मिठाई वाले, ये जलेबी कैसे दिए? हुजूर एक शेर जलेबी एक पैसा में है, उस तरह खोल के। अच्छा तो एक शेर दे दो। ये लो एक सोने की मुहर, इसमें से एक पैसा काट कर हमें पैसे वापस कर देना, समझ में आया? ये लो और दे दो एक शेर जलेबी। अरे नकली मोहरों वाला चोर आया है, पकड़ो पकड़ो मारो। हमको उल्लू समझता है क्या है? एक पैसे के लिए कोई बड़ी रकम तभी देता है जब वो छुट्टे के तौर पे अपनी नकली मुहर भी चला लेगा और बाकी के असली पैसे भी पा जाएगा। नकली मुहर चलाने वाला मुजरिम उस तरह खोल के कूटो। शाही खून है हम और चोर, तू हमारी फौलादी पकड़ से नहीं बच सकता। अच्छा अभी बताता हूँ, अभी तुम दोनों को बताता हूँ कैसे नहीं बचे। क्या लजीज खाना था, मजा आ गया। अब हमारी शिकंजी बना के रखते क्यों नहीं है रानी साहिबा? ओहो रानी साहिबा तो गई हुई है, दास दासी कोई है क्या? हमारी शिकंजी कहाँ है, लेकर आइए दास। अरे गधो। जी अब्बा जूर आपने बुलाया। ओहो आप हमें बताइए कि हमारी शिकंजी कहाँ है, किसी ने बनाकर रखी क्यों नहीं अब तक? शाही खून है हम, इसलिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि अम्मी जान ने सभी दास दासियों को फौलादी हुक्म दिया है कि कोई भी आपको शिकंजी, संतरे या मौसमी या कोई भी शरबत ना दें। रानी साहिबा ने यह हुक्म दिया है? अरे वो तो कश्मीर के व्यापारी आए हुए हैं, उनके यहाँ खरीदारी करने गई हुई है, ये हुक्म उन्होंने कब दिया? मुझे पता है, फूफी ने तेज घोड़े पर एक दास को बेचकर कहलवाया है कि आपको शिकंजी या किसी भी तरह का शरबत ना दिया जाए। हम बादशाह हैं, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, हम किसी का हुक्म नहीं मानने वाले, हमें शिकंजी चाहिए तो चाहिए। शाही खून है हम और हम भी अम्बी जान का फैसला पूरा करके ही रहेंगे। ठीक है तो आप हुक्म पूरा कीजिए, हम आपको आधा करेंगे। क्या रानी साहिबा? रानी साहिबा बोलिए, हम पूछ सकते हैं कि आपने हमें शिकंजी देने से क्यों मना कर दिया है? पूछ सकते हैं, हम पूछ चुके हैं, आप जवाब दीजिए। वो इसलिए क्योंकि आपने हमारी खरीदारी के लिए नकली मोहरे दी थी हमें, जिसकी वजह से कश्मीरी व्यापारियों के सामने हमारी नाक कट गई, रानी साहिबा की नाक कट गई, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर की बीवी की नाक कट गई। हमारी मोहरों में भी नकली मोहरे आ गई हैं। जापाना की जय। जापाना एक बुरी खबर है। क्या? जापाना नकली मोहरों के कारण विदेश से आए हुए सारे व्यापारी राजधानी छोड़कर जा रहे हैं। हमारी आर्थिक हालत खराब होने के साथ साथ हमारी बहुत बदनामी भी हो रही है। सुना आपने रानी साहिबा, सिर्फ आपकी नाक नहीं कट रही है, यहाँ हमारी नाक भी कट रही है। अब तो हमें शिकंजी दे दीजिए। बस बस, ये सब आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है। जब तक आप हमें कश्मीर से मखमल वाले पोशाक नहीं ला कर देंगे तो बूंद भी शिकंजी नहीं मिलेगी आपको। दो नींबू, जरा सा पानी और जरा से गुड़ से बनती है शिकंजी, हम खुद बना लेंगे। आइए बीरबल हमारी मदद कीजिए। बीरबल चलिए, बीरबल हमारी मदद कीजिए। बीरबल चलिए, बीरबल चलिए, बीरबल। बादब बामुलाहिजा होशियार, शान-ए-हिंदुस्तान,
नकली, शहंशाह हिंद नकली, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर नकली, जलवा अफरोज हो रहे हैं नकली। तशरीफ रखिए। और आपको क्या लगता है हमें सुनाई नहीं देता? हमारे कान खराब हैं? ये जो मुंह घुमाकर आप नकली 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 कर रहे हैं, हम सुन नहीं सकते ये? और ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हम नकली हैं, हम नकली हैं। जहां पना जब हमारे वेतन में नकली मोहरे आ सकती हैं, तो हमारे ऐलान में नकली लफ्ज तो कभी भी जुड़ सकता है ना जहां पना? वेतन में मतलब शाही खजाने में भी नकली मोहरे आ गई हैं। बीरबल, अब ये बलदेव उस मुजरिम को पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे, कब पकड़ेंगे पता नहीं, लेकिन अब आप कुछ कीजिए वरना हमारा मुल्क बर्बाद हो जाएगा। जहां पर नकली मोहरों की अफरा तफरी रोकने के लिए सबसे पहले हमें ऐलान करना होगा कि राज्य में जिसके पास भी नकली मोहरे हैं वो लाकर हमारे पास जमा कर दें और उसके एवज में हम उन्हें असली मोहरे देंगे। उसके बाद नकली मोहरे देने वालों की एक पेरिश बनाई जाएगी। लेकिन जहां पना, इससे तो नकली मोहरे बनाने वाला मुजरिम तो पकड़ा तो नहीं जाएगा। वजीर आजम बलदेव जी, एक बार ऐलान तो हो जाने दीजिए, फिर देखते हैं। तो ठीक है, ऐलान करवा दिया जाए। जहां पना, हमारे ऐलान के बाद जिन लोगों ने नकली मोहरे जमा करवाई, हमने उनको असली मोहरे दे दी और उनके नाम की फहरिस्त भी बना ली। लेकिन जहां पना, इससे ना तो असली मुजरिम पकड़ा गया, ना ही नकली मोहरों का चलन बंद हुआ। अब बताइए बीरबल, क्या फायदा हुआ? जा बना एक और ऐलान करना होगा। इस बार हमारे पास जो नकली मोहरे जमा करेगा उसके एवज में उसे 4 गुना असली मोहरे दे दी जाएंगे। चार गुना असली मोहरे? इससे क्या होगा? आपको लगता है कि इससे कोई मसले का हल निकलेगा? जापना, हमें तो लगता है बीरबल जी शाही खजाना खाली करवाने के चक्कर में। वैसे भी इनके पहले ऐलान से शाही खजाने को काफी नुकसान हो चुका है। जापना, हम पर भरोसा रखें, यकीन मानिए कि इस नए ऐलान से कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही होगा। चलिए ठीक है, एक बार फिर आपकी बात मान लेते हैं, ऐलान करवा दिया जाए। शहजादे सलीम, शाही खून है हम, इसलिए हम तुम्हें फौलादी हुक्म देते हैं कि तुम्हारे पास जितनी भी नकली मोहरे हैं वो सब हमें अभी दे दो। हुजूर, जबान जल जाए मगर बादशाह सलामत के पहले ऐलान के बाद मैंने अपने सारी नकली मोहरे जमा कर दिए, अभी मेरे पास कोई नकली मोहर नहीं है हुजूर। अच्छा, होशियारी, वो भी हमसे। आ जाओ आ जाओ। ये एक नकली मोहर मिली। शाही खून है हम, इसलिए हम तुम्हें एक नकली मोहर के बदले 10 असली मोहरे देते हैं। आसू, अरे पी 10। हेलो, खुश रहो। शुक्रिया शुक्रिया। आसू, शाही खून है हम, अब हमें बाकी 10 दासियों से भी नकली मोहरे लेनी है और उन सबको हर एक नकली मोहर के बदले 10 10 असली मोहरे देनी है। और उसके बाद हम सारी नकली मोहरे शाही खजाने में जमा कर देंगे और वहां से 4 गुना असली मोहरे ले लेंगे। या खुदा, जबान जल जाए मगर तू शहजादे सलीम और वासु जी को हम गरीबों के लिए यूं ही बेवकूफ बनाए रखना। जनता दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। जा बना, ये जमनादास जी है जिन्होंने सबसे ज्यादा यानी कि 20,000 नकली सोने की मोहरे जमा की। जहां बना, मैंने 20,000 नकली मोहरे जमा करवाई
उसके बदले में मुझे 4 गुना 80,000 असली मोहरे मिली, पर उसमें भी 10,000 मोहरे नकली निकली। अब मेरी आपसे इल्तजा है कि वो मेरी 10,000 मोहरे ले लीजिए और उसके बदले में मुझे 40,000 असली मोहरे दे दीजिए। सोने से खरी बात कहूं सो हुजूर, मारो नाम चांदी मल जोरी से, माने मारे 5,000 नकली मोहरा की जगह 20,000 नकली मोहरा मिली, मारे उसके बदले असली मोहर दे दी जाए। अरे शाही खजाने से आप लोगों को नकली मोहरे मिली हैं। बीरबल चंद्रदास जी एक बात बताइए, जब हमने ऐलान किया कि नकली मोहरा की जगह हम असली मोहरे देंगे, तब आप अपनी नकली मोहरे लेकर हमारे पास नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने ऐलान किया कि नकली मोहरों की जगह हम 4 गुना असली मोहरे देंगे, तो आप अपनी मोहरे लेकर हमारे पास आ गए, ऐसा क्यों? जहां पना हम समझ गए, जमुना दास ही नकली मोहरे बनाने वाला असली मुजरिम। ये लालच में आकर कि इन्हें 4 गुना दाम ज्यादा मिलेगा 20,000 मोहरे लेकर चले आए। यदि ऐसा नहीं होता तो पहले ऐलान के वक्त ही मोहरे लेकर आ गए होते। अरे क्या बात कर रहे हैं हुजूर, मैं तो पहले ऐलान के वक्त व्यापार के सिलसिले में विदेश गया हुआ था, इसी वजह से मैं आ नहीं सका। ये ठीक कह रहे हैं जापना, असली मुजरिम जमुना दास नहीं, असली मुजरिम है ये चांदीमल। खरे सोने से बात करूं सू जहां पना, मैं कठे तो मुजरिम हो गयो। बीरबल ये सही कह रहे हैं, आप सीधा इल्जाम ये चांदीमल पे क्यों लगा रहे हैं? जा बना, जमुना दास जी को जो 10,000 नकली मोहरे दी गई थी वो हमने ही रखी थी, लेकिन चांदीमल को जो 20,000 मोहरे दी गई थी वो असली थी, क्योंकि वो भी हमने ही रखी थी। अच्छा तो फिर ये झूठ क्यों बोल रहे हैं कि इन्हें 20,000 नकली मोहरे मिली थी? ये आपका कमरा नहीं है, तहकीकात हो रही है यहाँ पर, आप खड़े रहिए अपनी जगह पर, बात कर रहे हैं हम। फिर ये झूठ क्यों बोल रहे हैं कि इन्हें 20,000 नकली मोहरे मिली थी? लालच जापना, लालच, लालच, इसके लालच ने इसे ये सब करवाया। इसे लगा कि अगर ये 20,000 नकली मोहरे और लेकर आएगा तो हम इसे 20,000 असली मोहरे दे देंगे, क्योंकि नकली मोहरे बनाता ही इसलिए है कि उन्हें असली मोहरों से बदल सके। सोने से खरी बात करूं सु जापना, ये सारी बातें झूठ से, ये झूठ बोल रहे हैं। जापना सोने से खरी बात करूं सु, ये सच है। अगर हमने आपको 20,000 असली मोहरे दी तो आपके पास 20,000 नकली मोहरे आई कहां से? इतनी जल्दी आपने 20,000 नकली मोहरों का इंतजाम कैसे कर लिया? इसका मतलब यह है कि नकली मोहरे ये चंदीमल खुद बनाता है। चंदीमल जी, अगर आपके घर की और दुकान की तलाशी ली जाए तो हमें यकीन है कि कई सारी मोहरे और मिलेंगी, है ना? जापना वो खामोश खरगोश। बीरबल हमें ये बताइए कि आपको इस इंसान पे शक हुआ कैसे? जापना जैसे कि हमने पहले भी बताया था, जो नकली मोहरे हैं उनमें आपके दोनों कानों में बालियां होने के साथ साथ आपके दाएं कान के ऊपरी हिस्से में एक छेद है जिसमें एक कील लगी हुई है। अक्सर मारवाड़ के लोग जो होते हैं वो अपने दाएं कान के ऊपरी हिस्से में एक कील पहनते हैं, जैसे चंदीमल ने खुद के कान में पहनी है। और आदत से मजबूर जब इसने नकली मोहर बनाई तो आपके दाएं कान के ऊपरी हिस्से में भी छेद करके कील पहना दी। पहले इसकी माली हालत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन जब से इसने नकली मोहरों का व्यापार शुरू किया, इसका नाम हमारे राज्य के रईस लोगों में शामिल हो गया। और जापना, इतनी जल्दी कामयाबी सिर्फ गलत रास्ते से ही संभव है, इसी से हमें इस पर शक हुआ। वो सिपाहियों पकड़ लो इसे और कैद खाने में डाल दो। वाह,
वाह बीरबल, वाह वाह वाह, एक बार फिर आपने हमारे मुल्क को बचा लिया। हमारी तरफ से आपके लिए 100 मोहरों का इनाम। जामाना, इसकी क्या जरूरत है? ये लीजिए। जापना, ये सारी मोहरे तो नकली हैं। हाँ, तभी तो आपको दी हैं। अरे, हमारे शाही खजाने में इतनी सारी नकली मोहरे जमा कर रखी हैं आपने, अब उनको कहीं तो निकालना है।